हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये पार्ट वन। दोस्तों, इसका पार्ट टू आएगा और टोटल ये कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, इसमें क्या टोटल पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, दो पार्ट और लास्ट बचा है। 195 कंट्री हम लोग टोटल डिटेल कवर कर रहे होंगे। अगर आप शुरू से इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे, अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो लास्ट तक आप क्या करते रहे, नोट्स बनाते रहे। मैं क्या करूँगा, 100 MCQ लेकर आऊंगा जिसमें आप सॉल्व करोगे और आप अपना स्कोर बताओगे। आप इंजॉय करोगे पूरा जर्नी को, और MCQ जिसमें मैं बनाऊंगा उस चीज़ को भी आप इंजॉय करोगे। तो दोस्तों, इसको मैं 25 टोटल है, इसको मैं 10 से 15 मिनट में टोटल कवर करूंगा और ये यहीं पे आपको याद करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप इंजॉय करते रहे मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें जो टोटल कंट्री 125 है वो देखते हैं। सबसे पहला सूडान, पहला दोस्तों कौन सा है, सूडान, ठीक है। इसका राजधानी कौन सा है दोस्तों, खार्तूम। कौन सा है, खार्तूम। बस आपको यही याद रखना है, याद भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना है, बस आपका पेपर में दिया हुआ रहेगा, पेपर में क्या करना है, डायरेक्ट चेक करना और पेपर से डायरेक्ट आंसर पे जाना है, ठीक है। आसान, देखिए ध्यान से, जैसे आया सूडान, तो सूडान से आपको कुछ नहीं करना है, सूंड से आप क्या कर रहे हो, खातू, सूंड से खातू, बस जैसे सूडान आया, सूंड से खातू, तो बस यही हो गया, खातूम, सूंड से खातूम। जैसे किसी को सूंड है, सूंड से खाता है, जैसे हाथी हो गया और कोई जानवर हो गया, सूंड से खाता है, तो उसको उसी को क्या बोल रहा है, सूंड से खातूम, खातूम। तो बस यहाँ से आपका मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, तो यहाँ से सूंड हो गया और यहाँ क्या हो गया, खातूम, तो ये क्लियर हो गया। अगला दोस्तों सेनेगल, अगला कौन सा है, सेनेगल। तो सेनेगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, सेनेगल, सेनेगल कुछ नहीं, सेनेगल से निगल, निगलने के बाद क्या करते हैं लोग, डकार मारते हैं। निगल लेने के बाद क्या करते हैं, डकार मारते हैं। जैसे आप भी कभी खाना खा लिया बहुत ज्यादा तो क्या करोगे, डकार मारते हो, तो उसी तरह जब निगल लेने के बाद क्या करते हैं लोग, डकार मारते। तो सेनेगल का क्या हो जाएगा, डकार, सेनेगल का क्या हो जाएगा, डकार। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगला दोस्तों देखिए सेसेल्स, अगला कौन सा है, सेसेल्स। दोस्तों अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि मैं बीच में खड़ा रहता हूँ, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, जब अभी मैं कर रहा हूँ तो अभी आप कॉपी में नहीं लिखोगे। कॉपी कब लिखोगे, जब मैं साइड हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने बोलूंगा, उस समय पर स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद आप लिखोगे, नहीं तो मैं बीच में आ जा रहा हूँ, आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा बार बार, तो आप उस चीज़ से बच के रहे, ठीक है। जब मैं साइड होता हूँ उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले पूरा देख लीजिए, जब मैं स्क्रीनशॉट लेने बोलता हूँ उसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉपी में लिख लीजिए, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए सेसेल्स, अगला कौन सा है, सेसेल्स। तो सेसेल्स से क्या लिखना, बस सेल्स, आपको बस दिमाग में यही चलेगा, सेल्स, सेसेल्स, अच्छा सेल्स, एक बार याद रखो, हमेशा याद रहेगा, सेसेल्स के क्या, सेल्स, सेल्स क्या कर रहे हो, टोकरियां कर रहे हो, सेल्स आप क्या कर रहे हो, टोकरियां कर रहे हो, तो बस आपको याद रखना है, सेल्स क्या कर रहे हो, टोकरियां कर रहे हो, तो टोकरी से क्या हो जाएगा, विक्टोरिया, टोकरी से क्या हो जाएगा, विक्टोरिया, और टोकरी वाला साउंड एक ही आपको मिलेगा, विक्टोरिया, और कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। अगला देखिए दोस्तों ध्यान से, सोमालिया, अगला कौन सा है, सोमालिया। सोमालिया से कुछ भी नहीं रखना, सोमालिया से क्या करना है कि शाम में लिया, क्या लिया, मुर्गा देसी, शाम में क्या लिया, मुर्गा देसी। अगर मान लो शाम में मुर्गा बनाना है तो क्या करोगे, मुर्गा देसी शाम में ही लोगे ना, तो बस सोमालिया से क्या करोगे, शाम में लिया क्या, मुर्गा देसी, मुर्गा देसी, तो ये मोगा देसु, क्या हो जाएगा, मोगा देसु, तो ये क्लियर हो जाएगा। अगला मिस्र, अगला कौन सा है, मिस्र। तो आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पे मित्र, देखिए स को छोड़ दिया, तो मित्र जैसा दिख रहा है, और मित्र हमारे मित्र कैसे होते, हीरा के समान होते हैं, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, मिस्र से का हीरा, जो मिस्र मित्र है उनका हीरा जैसा सम्मान करना चाहिए। हीरा तो दोबारा खरीद सकते हो, लेकिन मित्र को दोबारा नहीं ला सकते हो एक बार के बाद, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मिस्र का हीरा हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, मोजाम्बिक, अगला कौन सा है दोस्तों, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से कुछ भी याद नहीं रखना, मोजा, जैसे एग्जाम में आएगा मोजाम्बिक, तो एक बार याद रखोगे क्या दिमाग में चलेगा, मोजा, और मोजा आपने क्या किया था, मोजा आपने क्या किया था, देखो ध्यान से, मापूतो, ठीक है। डायरेक्टली क्या बोल रखा है, जैसे मोजा खरीदना है तो क्या बोलेगा, मापोतो, मापोतो, मापोतो मतलब, माप मतलब क्या होता है, नापना, तो मापोतो दुकान को क्या बोल रहा है कि मोजा लेंगे आप, तो बोलो मापोतो, पहले मापोतो, तो बस मोजाम्बिक से क्या हो जाएगा, मापोतो, ठीक है, मापूतो, एक क्लियर हो गया। अगला मोरक्को, अगला कौन सा है दोस्तों, मोरक्को। राजधानी कौन सा है, रबात, याद भी नहीं रखना है, मोरक्को से मूर्खो, मोरक्को से मूर्खो, और मूर्खों से बात करना फालतू है, मूर्खों से बात करना क्या है, फालतू है, तो बस मोरक्को से मूर्खो और मूर्खों से बात करना फालतू है। अगला देखिए ध्यान से, नाइजर, नाइजर और नाइजेरिया, दोनों एक साथ देखिए, नाइजर और नाइजेरिया। देखिए नाइजर से आपको याद रखना है नजर, नाइजर से याद रखना है नजर, और नाइजेरिया से याद रखना है क्या, नजरिया, बस दो ही वर्ड और कुछ भी नहीं, और ये दोनों वर्ड सिंपल है, देखिए ध्यान से, नाइजर से नजर और नाइजीरिया से क्या रखना है, नाइजीरिया से नजर, ठीक है। देखिए नजर और नाइजीरिया, अब देखिए नाइजर,
नाइजर से नज़र, सिर्फ नज़र, कि हमारा जो माँ है या अम्मा है उसका नज़र हमारे पे हमेशा रहता है कि मेरा बेटा खाया कि नहीं, हमारा बेटा पढ़ने गया कि नहीं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, बदमाशी कर रहा है क्या, ये सब किसका नज़र होता है? माँ का। तो बस डायरेक्ट आएगा नाइजर, तो नज़र, नज़र मेरे पे किसका है? अम्मी का। किसका नज़र है? अम्मी का। तो नाइजर का क्या हो गया? अम्मी। क्लियर है? अगला नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जैसे होता है ना कि जो पापा लोग का नज़रिया होता है सोचने का हमारे प्रति, वो क्या होता है कि हमारा बेटा कुछ नौकरी करे, हमारा बेटा कुछ अच्छा काम करे, कुछ नाम करे, तो ये क्या होता है? पापा का नज़रिया होता है, जो पिताजी होते हैं उनका नज़रिया होता है। लेकिन नज़र मतलब सिर्फ डायरेक्टली देखना माँ को कि क्या है नहीं है बेटा, तो नज़र से वो हो जाएगा अम्मू, ये वाला हो जाएगा अम्मी वाला। और नज़रिया जो पापा का नज़रिया होता है वो अलग होता है कि हमारा बेटा बहुत आगे तक जाए, मेरे से भी आगे तक जाए, ठीक है, तो ये सारे वो सोचते हैं। तो नज़रिया, तो नज़रिया कौन? मतलब अब्बूजा। अगला कौन सा होगा? अब्बूजा। नज़रिया जो है वो किनका है? अब्बू का। तो बस आपका क्लियर हो गया, नाइजीरिया से अब्बूजा, ठीक है, क्लियर है दोनों। अगला केनिया। अगला कौन सा है दोस्तों? केनिया। केनिया से कुछ भी नहीं याद रखना, कन्हैया। केनिया से कन्हैया। और कन्हैया क्या करती है? रोती है। विदाई होता है तब क्या करती है? रोती है। तो वही क्या बोल रहे हैं? ना रोबी। कन्हैया को क्या बोल रही है? ना रोबी। तो बस देखिए ध्यान से, केनिया से कन्हैया, कन्हैया, और कन्हैया को क्या बोल रहे हैं लोग? ना रोबी। तो यहाँ पे देखिए ना रोबी, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। केप वर्डे, केप वर्डे। तो देखिए केप वर्डे से आपको क्या दिख रहा है? केक वर्डे, केक वर्डे। तो वर्डे के दिन में क्या होता है? बर्थडे के दिन में क्या होता है? केक कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी होता है, घर में बनाओ या बाहर से लाओ। तो वही दिख रहा है, देखिए केप वर्डे मतलब केक वर्डे के दिन प्रायः ही मिलता है, प्रायः मतलब हमेशा मिलता है, प्रायः ही मिलता है। कब मिलता है? प्रायः मिलता है। कब? केक बर्थडे के दिन, केक बर्थडे के दिन प्रायः मिलता है। तो ये आसानी से आपका, कितना आसानी से ये सारा मैंने टोटल 11 कवर कर दिया, ठीक है। कुछ और देखिए ध्यान से, कैमरून। 12 नंबर में कौन सा है दोस्तों? कैमरून। कैमरून कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, कैमरून। आजकल के लोग क्या करते हैं? कैमरा लेके क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो दिल्ली में जाओगे तो क्या दिल्ली वाले लोग क्या बोलेंगे? लड़के लोग के लौंडे बोलते हैं। तो दिल्ली लोग में, दिल्ली में क्या क्या बोलेंगे लोग? कि देखो लौंडे कैमरा लेके घूम रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, कैमरा, कैमरून से क्या होगा? कैमरा। और क्या कर रहे हैं? लौंडे आजकल घूम रहे हैं। तो लौंडे से क्या हो जाएगा? यू ओंडो, यू ओंडो। तो ओंडो, ओंडो लौंडो, क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, घूम रहे, कैमरा लेके देखते हो, कैमरा लिया घूम रहा इधर उधर, ठीक है। तो बस यहाँ से कैमरून से क्या हो जाएगा? कैमरा लेके लौंडे आजकल घूमते नजर आते हैं, दिल्ली में ऐसे ही बोलते हैं लोग, ठीक है, क्लियर है। अंगोला, अगला कौन सा है? अंगोला। अंगोला से आपको क्या रखना है कि जो गोला होता है वो क्या होता है? अंडा जैसा होता है। जो गोला होता है वो क्या होता है? अंडा जैसा। तो जो गोला होता है वो किसके जैसा होता है दोस्तों? अंडा जैसा होता है। तो आपका ये क्लियर हो गया। आगे तजानिया, अगला कौन सा दोस्तों? तजानिया। तो जो आप ताज हैं, आप ताज हैं किनके? अपने डैड माँ के, डैड और माँ, डैड एंड माँ के आप क्या है? ताज हैं। क्या है? ताज, ताज से तंजानिया। तो देखिए डोडो, डोडोमा, डोडोमा से डैड माँ, डैड माँ के आप क्या हैं? ताज हैं। क्लियर है? आगे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। तो जिम में बाबा लोग होते हैं, कभी कभी देखते हो ना कि जिम में कर रहे हैं और बहुत दिन से जिम कर रहे हैं, उनका बॉडी वॉडी भी अच्छा है, ठीक है। तो जिम में जो बाबा लोग रहते हैं, तो बाबा लोग बन जाते हैं बहुत दिन तक रहते रहते, कहीं पे भी कोई चीज बहुत दिन तक रहता है तो बाबा बन जाते हैं। तो जिम में जो बाबा लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? हरारे, हरारे मतलब कि अगर कोई भी उनसे अगर आ रहा है, अगर लड़ने आ रहा है या फिर पंजा लड़ाने आ रहा है तो क्या बोलेंगे? हरारे, हरारे। क्या बोलेंगे? हरारे, हरारे। ऐसी तो हल्ला करेंगे कि उसको हरा हरा, तो वैसे ही बोलेगा हरारे, हरारे। तो जिम वाले लोग, बाबा लोग क्या करते हैं? हरारे, हरारे, ठीक है, क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगा, अच्छा लग रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। अगर याद हो रहा होगा, आसानी से याद हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे क्या है, हमारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारे दिया हुआ है, टॉपिक का नाम देखिए, वहाँ पर लिंक देखिए, क्लिक कीजिए और वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए घाना, अगला कौन सा? 16 नंबर पर घाना। घाना देखते होगे कि घाना कहीं कहीं पे बोला जाता है। घाना किसको बोला जाता है दोस्तों? जो लोहार लोग होता है ना, जो लोहार लोग होता है वो लोहा को क्या करता है? उसको पीट पीट के पतला कर देता है और लंबा भी कर देता है, उस चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं? घाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाना बोलते हैं। तो लोग आजकल घाना से क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। लोग घाना से ही क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। तो आक्रमण से अकरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकरा हो जाएगा। घाना से क्या हो जाएगा? अकरा हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, घाना से अकरा हो जाएगा। अगर दूसरा कुछ अगर आप चाहेंगे तो क्या आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एक चीज और इसमें आप यूज कर सकते हो, देखता हूँ मैं थोड़ा देर में, अगर ये समझ में आ गया कि दूसरा और बन सकता है। बस आपको याद रखना क्या कि घाना से लोग आजकल क्या करें? आक्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। अगला इथोपिया, अगला कौन सा है दोस्तों? इथोपिया।
इथोपिया से आपको याद रखना है, देखो ध्यान से, इथोपिया, इथोपिया, एक औरत क्या बोल रही है अपने हस्बैंड को, इथोपिया, पिया को बोल रहे हैं, ठीक है, इथोपिया, उदास बैठे क्यों हो, मान लो कहीं पे उदास बैठे हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं, इथोपिया, उदास क्यों बैठे हो, तो देखो इथोपिया, इथोपिया मतलब इथो आओ, मतलब इधर आओ, इथोपिया उदास क्यों बैठे हैं, तो बस उदास से आपको एक ही वर्ड दिखेगा, अदिस, क्या दिखेगा, अदिस, उदास जैसा ही तो दिख रहा है, अदिस, उदास, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। लिबिया, लिबिया से आपको क्या रखना है, डिविया, डिविया मतलब जैसे होता है ना लालटेन या बत्ती जो घर तरफ मिलता है, डिविया जिसे जलता है, ठीक है, तो उसको लिबिया से डिविया, और डिविया, डिविया कब जरूरत पड़ता है, देखो लाइट अगर है घर पे और अचानक लाइट कट गया, खाना खा रहे हो तो क्या बोलोगे, यार डिविया पोली, मतलब डिविया को खोजो, जब खोज रहे तो उनको क्या बोल रहे हैं, डिविया पोली मतलब पाया कि नहीं, या फिर दूसरा आप याद रखो, लिबिया से डिविया, और डिविया से क्या हो गया, तिरपाल जल गया, तिरपाल जल गया, कभी कभी होता है ना कि अगर कहीं पे टेंट वगैरह बन रहा है और लाइट नहीं है तो क्या करते हैं लोग, डिविया से दिखाते रहते हैं और टेंट वगैरह सेट करते रहते हैं, और डिविया क्या होता है, ओपन जलते रहता है, वो डिविया क्या हुआ, तिरपाल में जल गया, तो बस आपको याद रखना है लिबिया से डिविया, डिविया से क्या हो गया, तिरपाल ही जल गया, क्या जल गया, तिरपाल ही जल गया, तो ये आसानी से आप याद कर सकते हो कि लिबिया से डिविया और डिविया से क्या हो गया, तिरपाल जल गया, क्या जल गया, तिरपाल जल गया, तिरपाल ही जल गया, तो बस त्रिपाल से त्रिपोली, क्या हो गया, त्रिपोली, तो दोनों से आप याद कर सकते हो आसानी से। अल्जीरिया, अब देखिए यहाँ से 19 नंबर से जो भी आएगा दोस्तों सॉरी यहाँ 19 नंबर से जो भी आएगा दोस्तों वो क्या होगा कि जो देश होगा उसी का राजधानी में उसका नाम होगा, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, और ये ज़्यादा आने का चांस कम रहता है, बट आ भी सकता है, ऐसा गारंटी नहीं कि नहीं आ सकता, बट आने का चांस रहता है, इसीलिए मैं सारा चीज़ कवर कर रहा हूँ 195 का 195, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, ये आपका इसके नाम से ही पता चल जाएगा, गिनी बिसाऊ से बिसाऊ, आपका यहाँ बिसाऊ, यहाँ पे भी बिसाऊ, अगला टीनो टयूनीसिया, टयूनीसिया, तो यहाँ से देखिए टयूनिस आपका नाम से ही है, तो आप इसमें घबराना नहीं है, और ये देखिए अगला डिजीबूती, अगला कौन सा दोस्तों, डिजीबूती, तो डिजीबूती का डिजीबूती ही होगा, ठीक है, अगला दक्षिण सूडान जुबा, तो दक्षिण सूडानी, इसका भी सेम ही होगा, अगला मॉरिशियस, अगला मॉरिशियस का मॉरिशियस ही होगा, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, और सियेरा लियोन फ्री टाउन, सियेरा लियोन फ्री टाउन, तो देखिए सियेरा यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ भी सियेरा, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो जाएगा, तो ये टोटल आपने 25 देखा होगा, 25 टोटल आसानी से याद किया होगा, आप इंजॉय भी किए होगे सेशन को, बहुत ही इंजॉय किए होगे, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया को व्यक्त करें, और चीज़ें को बार बार इसी तरह रिवीजन करते रहें, पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी कहीं पे भी ना रहें, हमेशा नोट्स बनाने की कोशिश करें लाइफ में, तभी आप क्या करोगे उस चीज़ को बार बार रिवीजन करोगे और आपको याद होता जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट आसानी से आप ले सकते हो पूरे इस वीडियो का, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को एंजॉय किए होगे, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।